हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना दाल लड्डू। रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है फ्रेंड्स, और रक्षाबंधन पर आप एक बार ज़रूर बनाइए और अपने भाई का मुंह मीठा इसी लड्डू से करवाइए। और बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कटोरी चना दाल है जिसे मैंने 4 घंटे तक भिगो के रख दिया था और फिर अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट हो गई है दाल। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करते वक्त हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इस बात का। और ग्राइंड जो है हमें इसे केवल दरदरा ही करना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है इसका। तो ये देखिए, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसके हम छोटी छोटी बड़ी बना देंगे क्योंकि हम इसे घी में फ्राई करेंगे। तो सभी का जो पेस्ट है उसका हम अच्छे से बड़ी बना के तैयार कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, और कढ़ाई में मैंने घी ऐड कर दिया है। घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम सारी जो हमने चना दाल के पेस्ट की बड़ी बनाई है वो डाल देंगे इसमें, और लो फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। एकदम जो है इस लड्डू का बूंदी जैसे लड्डू बनेंगे, और उसी लड्डू जैसा जैसे बूंदी के लड्डू का टेस्ट होता है वही टेस्ट आएगा फ्रेंड्स इसका भी। तो ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी सारी बढ़िया, और अच्छे से फ्राई हो गई है, सिक गई है बढ़िया। तो इसे निकाल लेंगे हम और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अब इसके लिए हम चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी चना दाल ली तो उसके लिए हम 1 कटोरी शुगर लेंगे और 1/2 कटोरी पानी। पानी हमें 1/2 कटोरी ही यूज़ करना है फ्रेंड्स। डाल देंगे इसमें और अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि शक्कर जो है अच्छे से घुल जाए पानी में, बढ़िया से मेल्ट हो जाए इसमें। ये देखिए, अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी शुगर। अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, केवल थोड़ा सा, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने। आप चाहे तो रेड कलर, ऑरेंज और येलो कलर भी ले सकते हैं, कोई सा भी फूड कलर लीजिए आप, पर ऑरेंज और येलो ज़्यादा अच्छा लगता है हमें दिखने में और खाने में भी। तो अच्छे से इसको लो फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे, बढ़िया से पकने देंगे इसको। और ये देखिए, ये भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो इसे मैंने तोड़ लिया है टुकड़ों में और अब इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। इसे भी हमें दरदरा ही रखना है, एक एक दाना जैसा बूंदी के लड्डू का होता ना वैसा ही रखना है, इसका टेक्सचर वैसा ही होना चाहिए। ये देखिए, एक एक दाना दिख रहा है इसका, इस तरह से ग्राइंड कर लेना है इसे हमें। अब जिस कढ़ाई में हमने इस बड़ियों को फ्राई किया था उसी कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसमें हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम। फ्रेंड्स, हमें कोई ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। इसे दोबारा इसलिए भून रहे हैं ताकि इसका जो बचा हुआ कच्चापन है वो भी इसमें से निकल जाए। ये देखिए, इतना ही घी चाहिए हमें। तो अच्छे से भून लेंगे इसको ताकि बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे हमें। जब हम लड्डू खाएँ तो एकदम मार्केट से लाए हुए लड्डू जैसा टेस्ट ही आना चाहिए। और ये हमारी जो चाशनी है वो भी अच्छे से पक चुकी है, बढ़िया सी हो चुकी है। हमें चाशनी केवल चिपचिपी चाहिए फ्रेंड्स, 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है हमें, चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए हमारी। और ये भी अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें चाशनी में से डाल देंगे, सारा जो मिक्सचर है इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। बेहद ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होंगे, और खाने वाला जज नहीं कर पाएगा कि ये लड्डू आपने चना दाल से बनाए हैं। अब इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज जो हैं वो ऐड कर देंगे, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इसे। अब इसे साइड में रख देंगे ढक लगा के लगभग 1/2 घंटे तक, ताकि ये बढ़िया तरीके से फूल जाए मिक्सचर जो हमारा है। तो 1/2 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा ठंडा भी हो गया है, बढ़िया तरीके से फूल चुका है, एक एक दाना इसका नज़र आ रहा है।
तो बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बूंदी के लड्डू जैसे तैयार होंगे हमारे चना दाल लड्डू। अब जिस आकार का आपको चाहिए उस आकार का आप लड्डू बना ले बढ़िया तरीके से। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स, और देखिए कितने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से बनाया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। चलिए सर्व कर देते हैं। तो रक्षाबंधन पर आप एक बार ज़रूर बनाइएगा इस मिठाई को। बहुत ही टेस्टी और स्वीट लड्डू बनके तैयार हुए हैं हमारे। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए आप, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया इसका। एक एक दाना देखिए। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।